दोस्तों आईपीएल से पहले रणजी खेलिए नहीं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये फैसला आया बीसीसीआई का और इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा और उन खिलाड़ियों पे इसका ज़्यादा फर्क पड़ा जैसे कि ईशान किशन, कुणाल पांड्या, दीपक चहर। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को इशारों ही इशारों में एक कड़ा संदेश दिया है। आईपीएल शुरू होने से पहले अपना समय बर्बाद कर रहे कई स्टार खिलाड़ियों को अनुशासन के लिहाज से राज्य टीमों में भागीदारी करने का अनुरोध किया गया है और ये भी कहा गया है कि आपको खेलना ही खेलना है। अगर आपको किसी इंटरनेशनल मैच या नेशनल टीम का हिस्सा बनना है तो उससे पहले आपको फिटनेस प्रूफ करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही खेलना है। तो बीसीसीआई का ये बहुत ही बड़ा फैसला आया है। ऐसे में ये खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी के अगले राउंड में खेलते हुए नजर आएंगे। कई खिलाड़ियों ने हाल में कहने के बावजूद भी रणजी क्रिकेट का एक तरफ से बॉयकॉट किया हुआ था। बीसीसीआई और नेशनल सेलेक्टर्स ने इस बारे में अब सख्ती दिखाई है। कई खिलाड़ियों को सोमवार को ईमेल के माध्यम से बताया गया और निर्देश भी दिया गया है कि उन लोगों पर लागू होता है जो वर्तमान में राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं है या बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब से नहीं गुजर रहे हैं। इन खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से 16 फरवरी से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी मैचों के आगामी दौर के लिए अपने संबंधित राज्य टीमों में शामिल होना आवश्यक कर दिया गया है। इस बारे में बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा, खिलाड़ी केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या आईपीएल को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, उनको खुद को घरेलू क्रिकेट के लिए उपलब्ध रखना होगा और अपने संबंधित राज्य टीमों के प्रति अपनी जो उनका फर्ज है वो निभाना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी प्लेयर कहीं से भी आता है जो उसका नाम बड़ा हो जाता है, पहले वो डोमेस्टिक खेल के ही अपने स्टेट से ही अपना नाम कमाता है, फिर वो नेशनल टीम का हिस्सा बनता है, तब जाके उसका नाम बड़ा होता है। तो इसीलिए बीसीसीआई ने ये सख्त कदम उठाया है कि जहां से उसने स्टार्ट किया है, जहां से उसका क्रिकेट कैरियर स्टार्ट हुआ है, अब तब जाके वो क्रिकेटर बनता है, एक बड़ा नाम बनता है। तो वो चीज़ें ना भूलें। और आप अगर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहते हो तो डोमेस्टिक में क्यों नहीं खेल सकते? डोमेस्टिक में खेलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, कोई ऐसा उसका नाम छोटा नहीं हो जाता। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में नहीं खेलना चाहते, वो उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि फॉर ग्रांटेड ले लिया है बीसीसीआई को कि अब सेलेक्टर्स को कि उनका तो सेलेक्ट होगा ही, आईपीएल हम खेलेंगे, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो T20 वर्ल्ड कप आएगा, उसमें हमारा सिलेक्शन तो होना ही होना है। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब ये ग्रांटेड ले लिया है, तो इसीलिए बीसीसीआई ने ये कड़े कदम उठाए हैं उन खिलाड़ियों के लिए बेसिकली जो ये बार बार कर रहे हैं, सेलेक्टर्स के कहने के बावजूद भी ये डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस नियम के लागू होने से ईशान किशन जैसे खिलाड़ी प्रभावित होंगे जिन्होंने आईपीएल की तैयारियों के लिए कम्पिटेटिव क्रिकेट को छोड़ दिया है। इस बात का दावा हाल में क्रिक बस की एक रिपोर्ट में किया गया था। वो हाल में आईपीएल के लिहाज से बड़ौदा में ट्रेनिंग ले रहे हैं जबकि उनकी होम टीम झारखंड को राजस्थान के खिलाफ जमशेदपुर में खेलना है। हालांकि ये फैसला पूरी तरह से ईशान किशन को लेकर भी नहीं है, इसका दायरा कुणाल पांड्या और दीपक चहर जैसे अन्य खिलाड़ियों तक भी है जो रणजी ट्रॉफी मैचों में इनएक्टिव रहे हैं। वहीं इस सख्ती के दायरे में श्रेयस अय्यर भी हैं जिन्हें खराब फॉर्म के कारण राष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिया गया था। ईशान किशन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से लंबे समय से गायब हैं, इससे भारतीय क्रिकेट की टेंशन बढ़ गई है। साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान भारतीय टीम से बाहर होने के बाद रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए खेलने से इनकार करने के उनके फैसले की काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी। इस आलोचना के बावजूद ईशान आईपीएल की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने लग गए और अपने फैसले पर कायम रहे। तो दोस्तों ईशान किशन को लेकर तो बहुत बड़ी बातें भी कही जा रही थी, राहुल द्रविड़ यहाँ तक कि सब ने कहा है ईशान किशन को कि आप डोमेस्टिक परफॉर्म करिए, रणजी खेलिए, तब जाके आपका नाम पे हम विचार करेंगे टीम में लाने के लिए। लेकिन ईशान किशन किसी की बारे में नहीं सुन रहे, उन्होंने ऐसा कर लिया है ना कि पता नहीं क्या, कईयों को तो मौका नहीं मिलता टीम में खेलने के लिए, उनका तो नाम आ गया था तब भी उन्होंने नाम वापस ले लिया और उसके बाद वो लगातार आईपीएल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि वो खुद के लिए या मतलब टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए। डोमेस्टिक यार स्टेट में खेल ही नहीं रहे वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई तो मुझे ले लेगी, आईपीएल में मैं शानदार परफॉर्म करूंगा, लेकिन इसी वजह से बीसीसीआई को ये कड़े नियम उठाने पड़े हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हो गए हैं जो बहुत ही बड़े समझने लग गए हैं, अपने आप को बोर्ड से भी ऊपर मानने लग गए हैं, तो इसीलिए बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है। दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या जैसे ऐसे कुछ खिलाड़ी जो अपने आप को फॉर ग्रांटेड समझते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, क्या उनको रणजी खेलना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लाइन लगी हुई है, तो इनको परफॉर्म क्यों नहीं करना पड़ेगा? दोस्तों आपका क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।